नहीं छोड़ना। साथ छोड़ा मेरा जब यकीन था कि मंजर बदल जाएंगे, तुम चले जाओ दामन छोड़ा के, देखना हम भी जहां से गुजर जाएंगे। हम ना देखेंगे मुड़ के तेरी राह गुजर, फिर भले राह तकते रहो, जाने दो के लिए टिकट दे दो। किन तीनों की? हम तीनों के लिए। क्यों जा रही हैं? मिलने जा रही हूँ। क्यों? वैसे ही। अच्छा ये बताएं, वीआईपी की टिकट बना दूं? बना दे। तो नहीं है वो। कितने? इतने में कोई थर्ड क्लास मिले वो भी दे दीजिएगा। ओ मैडम, अब ट्रेन में सेकंड क्लास नहीं होती, आपके लिए मैं थर्ड क्लास डब्बा कहाँ से लगवा दूँ? अरे अरे लगवा दें, हम भी साथ बैठ जाएंगे। बहुत बुरी बात है। मैं मैडम मैं दिलवा देता हूँ। हाँ भाई, इतने हुए हैं ये। मेरे साथ आ जाओ, वीआईपी में लेके जाऊंगा। आओ भाई, दो वीआईपी। शिकवों का ढेर है, तेरी दीवानी हुई तेरा कसूर है। छोटे से दिल नू समझावा की तेरे नाल मिलाया अखी। क्या बोर्न आप ये? जीना, देखो तुम मेरा ख्याल करती हो, उससे तुम्हें खुशी मिलती है ना? लेकिन तुम्हारे ख्याल करने की वजह से मेरे लिए बड़े मसले पैदा हो रहे हैं। कैसा मसला? मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को
चेंज किया है लेकिन तुम मुझे फिर केयर की आदत डाल रही हो। सिर्फ आदत हो रही है? नहीं, अच्छा भी लगता है मुझे भी। तो मत करो। क्यों? बस क्यों? बस ना, दिल से कह रहे? देखो डोंट। क्यों? तुम ना हिप्नोटाइज कर देती हो मुझे। और आप रेजिस्ट। चाय पियेंगी? नहीं, वैसे आप बहुत जल्द एक खुशखबरी सुनने वाले हैं। और हाँ, थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से इतने सारे लोगों का भला जो हो गया, उस औरत का, उसके शौहर का, उसके बच्चों का, पूरे खानदान का। सही कह रही हैं आप, बॉस ठीक नहीं कर रहे थे। और क्या, एक शादीशुदा औरत के पीछे अपनी जिंदगी को इस तरह से बर्बाद करना, समझ ही नहीं रहे थे। वाकई, पर अब कुछ कुछ समझने लगे। मैं तो सोच रही कि मंगनी की जगह ना सीधा निकाह कर लूं। उनके घर वालों का तो इंतजार करना पड़ेगा ना। हाँ वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक दो गवाहों के नाम मैंने सोच रखे हैं। मैं तो सोच रही निकाह के कागजात भी मंगा के रख लूं। ठीक है, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है सब कुछ। आप इतना ना सोचा करें ना, और वैसे भी अमल का दारोमदार नीयत पे होता है। मैं चलती हूँ। जी बोल रहा हूँ, कैसी हैं आप? क्या, कहाँ हैं इस वक्त? अच्छा आप परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। ये वही है ना, वही है ना? अरे उसके शौहर ने उसे घर से निकाल दिया। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, तुम यही डिजर्व करती हो। ये क्या कर रही हैं आप? कौन है आप? तुम्हारी भाभी। क्या कर रही हैं आप? इस तरह की औरत हो तुम, तुम्हारा घर तो तुमसे संभलता नहीं है, दूसरों का घर भी तुम नहीं बसने देती। फोन दीजिए मेरा, हाँ? मेरा मेरा फोन। आज के बाद सलाहुद्दीन को फोन मत करना। सुना तुमने? सुना। और हाँ एक और बात सुनो, तुम्हारे और उसके दरमियान जो कुछ था ना अब खत्म हो चुका है, समझी? क्या कर रही हैं आप? हेलो हेलो, ये क्या किया आपने? आज के बाद आप उसका फोन नहीं उठाएंगे और आप वापस जाएंगे भी नहीं। आप मुझे हुक्म नहीं दे सकते? दे सकती हूँ। इतनी करीब हूँ मैं अपने मंजिल की, अगर कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात याद रखो। क्यों करूंगा उल्टा सीधा? अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं हुआ है सर, मेरी बहन आई हुई है स्टेशन पे, मेरा वेट कर रही है, मैं जाना चाह रही हूँ, मुझे जाने नहीं दे रही, जा रहा हूँ मैं। जमील को क्या हुआ? अरे हक जताने लगे मुझ पे, इतनी सी बात क्या कर दी मैंने, नाराजी हो गए। अब मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आ रही थी तो किसी ना किसी ने तो समझाना ही था ना। आजे भाजी, आजे आजे। बिस्मिल्लाह। आजे 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 भाजी, ये जगह आपके काबिल तो नहीं है लेकिन बस कुछ घंटों की बात है। आपने यहाँ लाके बहुत ज्यादती की है, कहीं और ले जाते लेकिन यहाँ ना लेकर आते। कहाँ लेकर जाता? होटल में जाना आप पसंद नहीं करती, फिर इससे ज्यादा महफूज जगह मुझे कुछ समझ में ही नहीं आई। वैसे भी ये मेरा घर है, उनका नहीं है। तो उन्हीं के घर का एक हिस्सा। हाँ है तो उन्हीं के घर का हिस्सा। अच्छा भाई, वो यहाँ पे एक मसला है कि वो एसी काम नहीं करता, क्योंकि मुझे ठंड में रहने की आदत नहीं है इसलिए मैंने बनवाया नहीं। कोई बात नहीं, बस उन्हें ना पता चले, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बेफिक्र हो जाए, उन्हें पता नहीं चलेगा, बस आप लोग यहाँ अंदर ही रहिएगा। 15-16 घंटे की बात है, वो तो वैसे भी रात को देर से घर आते हैं और फिर बाहर ही नहीं निकलते।
ये उनका घर है जी, उन्हीं का है। बहुत तरक्की कर ली है। हाँ भाई, कुछ लोग बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा तजुर्बा हासिल कर लेते हैं और फिर डबल प्रमोशन हो जाती है। ये सब देख के तो नहीं लग रहा कि डबल प्रमोशन हुई है, ऐसा लग रहा है कि 10 गुना ज्यादा हुई है। खैर, मुझे क्या लेना देना, वो जाने उनका खुदा। बच्चों को भूख लग रही है, अगर कुछ खाने का इंतजाम हो जाए तो बड़ी मेहरबानी। अरे बाजी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप मुझे हुक्म करें, क्या खाएंगे बच्चे? बाहर का खाना तो ये पसंद नहीं करेंगे। क्यों बच्चों, घर में कुछ बनाना पड़ेगा ना। बताओ क्या खाना पसंद करोगे? अंडा पराठा। अंडा पराठा, चलो अंदर चलते हैं और अपने हाथों से अंडा पराठा बनाकर खिलाता हूँ मैं तुम्हें। यहाँ किचन तो है ही नहीं, तो आप कैसे बनाएंगे? अंदर है ना भाजी? नहीं नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे। अरे भाजी, मुझ पर भरोसा कीजिए, उन्हें पता नहीं चलेगा। नहीं, मैं अपने बच्चों को हराम की कमाई नहीं खिलाना चाहती। नहीं बाजी, ऐसा मत बोले। अगर उनकी कमाई हराम की है ना, तो दुनिया में कोई भी कमाई हलाल की नहीं। और जहां तक उन्हें पता लगने की बात है, एक दफा मुझसे गलती हो गई थी, दोबारा नहीं होगी। चले आ जाए, बच्चों को भूख लग रही है। अंडा पराठा खाएगी ना? आप बहुत क्लोज है ना उनके। जी, जब भी आपके पास उनके घर की चाबी है, शादी हो गई? नहीं, होने जा रही है ना। अच्छी बात है, बहुत अच्छे दिन थे वो, पता नहीं कहाँ चले गए। जब अच्छे दिन नहीं रहे तो फिर बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। लेकिन पुराने दिन वापस नहीं आते। पिया मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। जानता हूँ। आप सब जानते हैं। कभी वक्त मिला तो बताऊंगा क्या क्या जानता हूँ। मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे बस जाना है घर वापस। मैंने आपसे वादा किया ना कि मैं आपको आपके घर पहुंचाऊंगा। मैं एक दफा फिर आपसे माफी मांगता हूँ। मेरा मकसद आपको धोखा देना नहीं था, बस बॉस को आपकी बहुत फिक्र रहती है। देखिए, अगर आपको मेरा जरा सा भी ख्याल है ना, तो प्लीज उन्हें मेरे बारे में कुछ मत बताइएगा। कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। अच्छा, आप लोग बैठे, मैं खाना बना लेता। नहीं नहीं, हम साथ में जाएंगे। हाँ ठीक है, चले चले, आ जाओ साथ चलते। आओ भाई साथ चलते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किसे फोन कर रहे? यानी कि आज आप मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे? आज क्या, आप कहें तो हमेशा के लिए आपका पीछा ना छोड़ूं। मजाक कर रही हूं। अच्छा बताए ना, किसे फोन कर रहे? जमील को कर रहा हूँ, उसका फोन बंद है और कुछ पता नहीं किधर है वो। कह के तो गए कि अपनी बहन से मिलने जा रहे हैं। जमील की कोई बहन नहीं है। जीना, किसी और का जिक्र कर रहा होगा। बहन ही नहीं है। आप ही ना हर किसी पे अंधा एतबार कर लेते हैं। खैर छोड़ें, पता है कल रात को खाला का फोन आया था,
बार बार मुझसे कह रही थी शादी कर लो शादी कर लो, कोई लड़का है जहन में। तुम कौन सा कोई मैरिज ब्यूरो जो अपने लिए लड़का ढूंढोगी जाकर? उनसे कहो ना तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दे। कह दूं उन्हें कि लड़का ढूंढ दे। चले जाओ यहां से। नहीं, कोई ऐसा लड़का हो जो तुम्हें काम भी तो करने देना यहाँ। काम से क्या फर्क पड़ता है? आपका ख्याल कौन रखेगा? घर की सफाई, आपके कपड़े इस्त्री करना, खाना वगैरह बनाना, ये सब कौन करेगा फिर? याद तो आएगी तुम्हारी मुझे। तो फिर क्यों नहीं कहते थे कि मैं यहीं रुक जाऊं आपके पास हमेशा हमेशा के लिए? मैं जानती हूँ कि आप कभी नहीं कहेंगे क्योंकि आपको मेरी परवाह ही नहीं है। जीना, अब क्यों रोक रहे हैं आप मुझे? मैं जानती हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं चली जाऊं, और मैं चली जाऊंगी, और अब मैं वापस पलट के कभी नहीं आऊंगी। छोड़े मुझे। जीना, एक बार पलट कर तो देखो। एक मिनट, चोट लग जाएगी तुम्हें। आराम से आराम से। अरे क्या कर रही हो? अच्छा बात सुनो बात सुनो, क्या चाह रही हो तुम? हाँ, आपको चाहती हूं मैं। खुदा की कसम, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको ना चाहूं, लेकिन चाहने लगी हूं तो क्या करूं? देखो जीना, किसी को चाहना तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन लेकिन मैं चाहती हूं कि आप भी मुझे चाहें, और इतना चाहे जितना कभी किसी ने किसी को नहीं चाहा, मेरा इतना ख्याल रखे जितना कभी किसी ने किसी का ना रखा हो। आप मुझे क्यों नहीं चाह सकते? ऐसा प्यार जिंदगी में एक ही बार होता है जी। तो आप ना करें, मुझे करने दें, और आप नहीं कह सकते तो मैं आपको प्रपोज करती हूं, ये ले। इतना चाहती हो मुझे? मैं सिर्फ आपको चाहती हूं, मेरे पास और कुछ चाहने को है ही नहीं। मेरा सब कुछ आप है। आप कहेंगे तो मैं खाला के पास चली जाऊंगी, आप कहेंगे तो मैं हमेशा के लिए रुक जाऊंगी, जो आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। अच्छा दिखाओ क्या है इसमें, दिखाओ दिखाओ ना। गए और गरम पराठे। नहीं नहीं बस बहुत है, काफी है अभी। मजे का तो है ना? जी बहुत अच्छे है। पता ही, आने से पहले मैं बावर्ची था और मेरे खानों की बहुत धूम थी। तो यहाँ कैसे आ गए आप? बॉस जब कराची आए थे ना, जिस दोस्त के पास रुके थे वहां मैं मुलाजमत करता था, और बॉस का सबसे बड़ा दुश्मन था मैं, लेकिन अब उनके लिए जान भी दे सकता हूं। इसलिए मुखबरी करने हमारे घर भी आ गए थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बहुत खा लिया बस। अरे बाजी खाइए तो सही। आपको पता है गमगीन दिलों को खुश करने का रास्ता पेट से होता हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये शोहरों के लिए बात कही जाती है। तो एक ही बात है। अम्मी का फोन है। अच्छा
आपने बता दिया उन्हें? नहीं, अब बताऊंगी। आराम से बताइएगा, कहीं ज्यादा परेशान ना हो जाए। मैं आता हूं। ये हम कहाँ गए? बताता हूँ, आओ तो सही। नहीं मतलब मुझे पता है कि हम कहाँ गए, लेकिन क्यों? तुम मुझे अंगूठी पहना सकती हो तो मैं तुम्हें नहीं पहना सकता। आओ चलो। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बैठो। सर ये डायमंड की रिंग्स दिखाइएगा। तो इनमें से ये कैसी है? बहुत अच्छी है। चलो ये वाली ज्यादा अच्छी नहीं है? हाँ हाँ ज्यादा अच्छी। हाँ जीना मैम, इससे पहले के हम ये कदम उठाए, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आपका पास ना, आपका पास है, उसे प्रेजेंट और फ्यूचर में मत आने दे, कोई फायदा नहीं होगा। हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन बताना तो जरूरी है। मुझे नहीं जानना, मुझे आपका प्यार मिल जाए काफी है। यही तो डिस्कस करना है जीना के। जीना सिर्फ अभी अपनी अंगूठी और उसमें छुपा हमारे फ्यूचर देख रही है। आप फिक्र ना करें, आपको आपकी सारी फिक्रों के साथ चाहा है मैंने, बाकी सारी बातें ना बिल्कुल बेमायने। स्माइल प्लीज। तो फिर ये ठीक है? परफेक्ट। इसको पैक कर दें आप? आप मुझे पहनाएंगे नहीं? यहाँ तो अच्छा ये I love it. हाँ बेटे हम तो खैर से पहुंच गए, बट तुम्हारे लिए जरा परेशान है। तुम कैसी हो? पापा परेशान तो नहीं है माँ? नहीं बस वो जरा थकावट है, उन्हें रास्ते में शायद सामान भी उठा लिया तो कह रहे थे बाजू में दर्द है। तुम बताओ मिकाइल सही है ना? सही होंगे। क्या मतलब? अम्मा अब आपको मत बताइएगा, मिकाइल ने मुझे और बच्चों को घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? क्यों क्यों घर से निकाल दिया? मैं मिकाइल को अच्छी नहीं लगी अम्मा, कभी उनका दिल ही नहीं पड़ा मेरी तरफ कभी। बस अंकल आंटी सब कुछ थे मेरे लिए, हो ही नहीं रहे तो मेरी जान। मैं तुम्हें कह रही थी तुम मेरे साथ चली चलो। अम्मा उसने मुझे मुझे बच्चों के कपड़े भी नहीं लेने दिए। तुम इस वक्त कहाँ हो? यही हूँ, सुबह गाड़ी में बैठ जाऊंगी। गाड़ी में नहीं, तुम प्लेन में आओ, फौरन आओ, तुम बच्चों के साथ ट्रेन में नहीं आना। पैसे नहीं अम्मा, जो मुझे चेन दी थी ना उसको बेच के स्टेशन तक पहुंची, फिर भी पैसे कम पड़ के। सुबह पैसे किसी से मांग कर आऊंगी। किससे? बिया का भाई।
तुम सलाहुद्दीन के पास हो जी? अच्छा ठीक है, फिर मैं उससे कहती हूँ कि वो तुम्हारा जहाज का टिकट करवा दे फौरन। नहीं माँ, आप उनसे कुछ मत कहिएगा, वो जितना करे उतना काफी है ना। कितना सबर, कितना हौसला है तुमने। जब वक्त पड़ता है ना अम्मा, तो सबर और हौसला दोनों दे देता है ना। और अब जब सारी जिंदगी ऐसे रहना है, तो मैं आप लोगों पर बोझ तो नहीं बनूंगी ना? तुम हम पे बोझ नहीं हो, तुम हमारे जिगर का टुकड़ा हो। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? सर। हाँ? क्या मैं अब आपको सलाहुद्दीन कह सकती हूँ? हाँ कह सकती हो। क्यों, तुम सारी जिंदगी मेरे सर कहने के प्लान कर रही थी? नहीं, मेरा बहुत दिल चाहता था कि मैं आपको आपके नाम से पुकारूं। ऐसी एक छोटी छोटी सी सिली सी खुशियां है मेरी। छोड़, अंदर चलो, तुम्हें वापस भी छोड़ने वाला नहीं। जरूरी है? जल्दी चले, वो आ गए, पता नहीं जल्दी कैसे आ गए। जल्दी जल्दी। अम्मा फोन रख दिया, मैं चलती हूँ। हेलो हेलो मन्नू, हेलो। ये सब क्या हो गया भाभी? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे हमारी मन्नू को उसने घर से निकाल दिया है। मेरी तरफ से बाहर में जाए, हमने उसका क्या करना है? मैं आपको बता रही हूँ, अब मैं उसे वापस नहीं जाने दूंगी। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं भाईजान? या अल्लाह, क्या हुआ, क्या हुआ भाईजान? डॉक्टर को बुलाएं। अमीन भाई, तुम डॉक्टर को फोन करो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। मैं करती हूँ। बात सुने, क्या हुआ आपको? तुम फोन तो करो। हाँ लेकिन ऐसा भी क्या है, अगर निकाह हो जाता तो मैं यहाँ रह सकती थी ना? हाँ तब तो तुम रह सकती थी यहाँ पे। तो फिर कर लेते हैं ना निकाह। मम्मी के आने का वेट नहीं करूंगी तुम? करेंगे ना वेट, अभी तो हम सिर्फ निकाह करेंगे। मायो, मेहंदी, वलीमा, ये सब कुछ तुम के आने के बाद ही होगा। अच्छा नहीं पता था कि तुम ये सारे फंक्शंस करने का प्लान कर रही हो। अगर बताती थी तो क्या आप मंगनी धूमधाम से करते? उसका तो पता नहीं, अलबत्ता हाँ शायद भाग जाता। कोई नहीं, भागते आप मेरे पीछे पीछे भागते। तो बताए ना कब करेंगे हमने कहा? जीना तुम्हारे साथ हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ, इतनी क्या जल्दी है तुम्हें? मुझे है ना, मुझे याद करेंगे, भूल तो नहीं जाएंगे। चाहे आपकी शादी हो जाए। मेरी शादी? मेरी शादी कहाँ से आ गई बीच में? कभी ना कभी तो होगी ना, मैं आपकी शादी पर आऊंगी और आपके दुल्हन को धक्के मार मार के स्टेज से गिरा दोगे, है ना? और उसके हाथ पैर भी टूट जाएंगे, तो फिर कर लेना उस टूटी बूटी से शादी। जहर लगते हैं मुझे हंसते हुए। अच्छा, मुझे तो लगा कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ। मैं आपका इंतजार करूंगी। देखो तुम अब किसी और की होने जा रही हो, बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं फिर भी इंतजार करूंगी। आप दिल से कह रहे हैं? दिमाग से। आपका दिमाग कुछ भी कहता रहे, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहेगा। वादा?
वादा। मनु बीबी जल्दी चलिए, उन्होंने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। चलिए सलाउद्दीन। मनु सलाउद्दीन मेरी बात सुने। देखती हूँ कि सलाउद्दीन को मुझसे कौन जीतता है। तुम क्या इधर के उधर ना कर दो, तुम मेरा नाम भी जीना नहीं। बता सकते थे मुझे, मेरी गलती है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने सही किया। क्या मतलब? मैंने इनसे वादा किया था कि इनको इनके माँ बाप के घर पहुंचाऊंगा। इसको इसके माँ बाप के घर पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, तुम कहां से आ गए हो बीच में? चलो मैं नहीं जाऊंगी। मनु प्लीज, मैं फजूल बातें सुनने का आदि नहीं हूं, समझ आई तुम्हें? प्लीज चलो। मेरे बच्चों को हाथ मत लगाइएगा। ठीक है, रोको मुझे। मैं रोकूंगी तो आपको रुकना पड़ेगा। तू शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बता नहीं सकती थी मुझे तुम। तुम्हारे शोर ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, तुम ये बातें कर रही हो मेरे से? वो मेरा शौहर है, जो चाहे करे। शौहर की तो चलो अंदर। मैं नहीं जाऊंगी बा। मनु ये भी मेरा घर है, वो भी मेरा घर है, क्या फर्क पड़ता है कि तुम यहां पे रहो के वहां पे रहो, बात करती हो। चलो उठो, आओ आ जाओ। ये जब मुझे मेरे शौहर ने घर से निकाल दिया तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं।